सो गाइस, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस। तो ये हमारी क्लास 12 की बुक है आईएससी की, ठीक है, एस चंद बुक है हमारी। और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है मैट्रिसेस। तो आपको उन सभी चैप्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उन सभी को देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो हमने सब फर्स्ट चैप्टर में किया रिलेशन, तो रिलेशन का ही सेकंड पार्ट है हमारा फंक्शन। रिलेशन से ही फंक्शन बनते हैं। अब देखो, जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, अब ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टू सेट्स के जो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। और उन रिलेशन में स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस क्या है, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारा, देखो फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स या फिर फर्स्ट एलिमेंट। सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखो, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो भी हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं कि भी लेट कर लेते हैं, हमारे पास टू सेट होते हैं, ठीक है, ए एंड बी, ये टू सेट्स हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1, 2, 3 है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेट कर लेते हैं 4, 5, 6 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कभी भी टू ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मीन्स इसी से दूसरी डेफिनेशन बनती है फंक्शन की, कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट। अगर हम मैपिंग करते हैं तो सेकंड सेट में जो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स हैं उसकी सेकंड सेट में मैपिंग होनी चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा मैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो, कि 1, 4 से भी रिलेट कर रहा है और 1, 5 से भी रिलेट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कुछ भी केस, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की कुछ कंडीशंस हैं कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है। अब देखो, हमने दो सेट की बात की है यहाँ पर, ए और बी, ये सेट है, सेम सेट भी हो सकते हैं, ए का ए में ही रिलेशन बन सकता है। रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो, एक एलिमेंट के टू इमेजेस ले सकते हो, मोर देन टू इमेजेस ले सकते हो, कि 1, 6 से भी मैप कर सकता है, सभी एलिमेंट से मैप कर सकता है, ओके। तो रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, ये सभी रिलेशन, अगर मैं लिखूँ 1, 4, 1, 5, ठीक है, 1, 6, ये भी रिलेशन में आएगा। और मैं 2 की भी मैपिंग कर दूं, लेट कर लेते 2 को 5 से मैपिंग कर दिया, और हमने कहा कि भाई ये क्या ये एक रिलेशन होगा, तो यस ये एक रिलेशन होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि क्या ये एक फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट, जैसे लेट कर लेते हैं ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, कभी भी टू ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सेम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन को रॉन्ग करता है, डेफिनेशन को यहाँ पर गलत साबित करता है। कैसे, कि भी एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के जो सभी एलिमेंट हैं, और एक और बात है यहाँ पर कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो, ऐसा नहीं है कि बस 1 और 2 कर रहे हैं, 3 कर ही नहीं रहा हो। तो फंक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, क्या, एक तो फर्स्ट सेट जो हमारा होगा, जिसको हम डोमेन भी कहते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेट होगा जैसे ये हमारा फर्स्ट सेट है, इसके सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट होने चाहिए मैपिंग में, ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड होने चाहिए, समझ गए। और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और सभी, देखो हमने पहले बात की कि फर्स्ट सेट के, जो फर्स्ट सेट है हमारा, इसके सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, एक इमेज होनी चाहिए, किसमें, इमेज इन सेकंड सेट में। अब इस इनमें जैसे हमने रिलेशन किया था, उसमें हमने डोमेन को डोमेन रेंज ये सीखा था। तो देखो, डोमेन किसे कहते हैं, कि भाई जैसे ये रिलेशन बन रहा है हमारा, तो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, डोमेन होंगे। लेकिन फंक्शन में डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट सेट होगा वही डोमेन होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन है अगर, तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट होंगे, तो फर्स्ट सेट ही यहाँ पर क्या होगा, डोमेन होगा। बात समझ में आ रही है, कि डोमेन क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट सेट होगा हमेशा, जब वो फंक्शन की बात हो रही है।
सेकंड सेट के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं, इसे हम कोडोमेन बोलते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हमारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो सिर्फ क्या होंगे, इसकी रेंज होंगे। लेकिन बी सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। ये फाइंड करने के लिए भी आता है, वो किसी फंक्शन में भी आ सकता है कि इस फंक्शन की रेंज और डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन क्या, वन वन, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, वन आ रहा है एंड टू आ रहा है, तो वन और टू से क्या हो गई डोमेन हो गई, और रेंज क्या होगी, फोर फाइव सिक्स, तो सिर्फ फोर फाइव सिक्स आ रहा है, फाइव रिपीट हो रहा है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं हम, रिपीटेशन नहीं लिखते सेट में कभी भी। ओके, एक कोडोमेन है, और जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो किस में आते हैं, हमारे रेंज में आते हैं। जैसे यहाँ पर रेंज में हमारा क्या आ रहा है, कंप्लीट कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसमें फोर फाइव सिक्स ये लिख सकते हो, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर यही बात चल रही है कि भाई फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो फंक्शन के लिए, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, पहली बात ये। और फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो ना उसकी एक ही इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेजेस ना हो, कि भी वन पर फोर आ रहा है और वन पर फाइव भी आ रहा है। अब देखो ये जो छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात तो नहीं है, है तो काफ़ी बड़ी बात, और काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता, ये रिलेट नहीं कर रही, जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, जो भी हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं वहाँ से कुछ भी वैल्यू रिलेट नहीं कर रही। लेकिन अब आप ध्यान दो कि आपने जितने भी पॉलीनोमियल देखे थे, जैसे कि लेट कर लेते हैं हम कि जैसे ये पॉलीनोमियल है 2x+1, ये पॉलीनोमियल है, ये भी एक फंक्शन है, लेट कर लेते हैं कि इसमें हम x की वैल्यू रख रहे हैं और y की वैल्यू मिल रही है, मीन्स x ये वाला सेट और y ये वाला सेट, ठीक है। तो x ये वाला सेट और y ये वाला सेट, मतलब x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, ए सेट से लेट करते हैं, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब देखो ये भी एक फंक्शन बनेगा, ये भी एक फंक्शन है, जैसे हम इक्वेशन, अभी तो ये आपको लग रही होगी एक इक्वेशन, लेकिन जो भी हम इक्वेशन लिखते हुए आए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे लीनियर इक्वेशन है, ये सभी भी फंक्शन है। ये अभी तक हमें नहीं पता था टेंथ तक, लेकिन इलेवंथ में और ट्वेल्थ में ये हमने सीखा है कि भी ये भी फंक्शन है। कैसे, अब देखो इसमें कैसे फंक्शन है कि आप x की वैल्यू पुट करो, x के प्लेस पर रखो वन, x के प्लेस पर वन रखो तो कितना आंसर आ रहा है, वन इंटू टू टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री मिल रहा है। अब देखो इसमें वन कभी भी रिपीट नहीं होगा, अगर आप वन रखोगे ना तो थ्री ही मिलेगा, कभी कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी नहीं, इसलिए ये क्या है, एक फंक्शन है, इसको आप फंक्शन कह सकते हो। आप टू रखो एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, जैसे वन की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, टू की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वन के पर फोर भी आ रहा है, वन पर फाइव भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन एक कंडीशन चल सकती है, देखो अभी बताएंगे इसमें, कि वन थ्री आ रहा है, यहाँ पर टू रख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है, थ्री रख रहे हो, देखो सभी पे यूनिक इमेज मिलेगी। आप कभी भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा कि वन पर थ्री आ रहा है और वन पर ही फाइव आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, फंक्शन है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है, समझ गए आप। अब इसमें एक और कंडीशन है, एक कंडीशन और हो सकती है, देखो एक तो ये कंडीशन बताई हमने कि भाई फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जैसे वन टू थ्री, ठीक है, यहाँ पर फोर फाइव सिक्स। लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि भी टू इमेजेस की, मतलब टू एलिमेंट्स की सेम इमेज आए, कि वन पर भी फोर आ रहा है और टू पर भी फोर आ रहा है, इस केस को हम कहते हैं मैनी वन, कि भाई मैनी एलिमेंट्स एक ही इमेज रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थ्री की इमेज भी बना रही हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये मैनी वन वाला केस है कि मोर देन टू एलिमेंट्स एक ही इमेज रखें, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी एक ही एलिमेंट मोर देन टू इमेजेस रखें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या है हमारा, कि भी फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो, हर एक एलिमेंट की, ठीक है, फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज हो, ये हो सकता है केस। देखो अब ये जो इस तरीके का जो केस बनता है वो कैसे बनता है, जैसे लेट कर लेते हैं ये वाला फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, वाइजिकल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो अगर आप वन पुट करोगे एक्स, अगर हम यहाँ से ले रहे हैं फर्स्ट सेट से, और बी से हमारा क्या रहा है, बी मारिए वाई की वैल्यू, जैसे आप क्या रख रहे हो, वन रख रहे हो, ठीक है, यहाँ वन रख रहे हो, और वन पर क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है, और फिर आप यहाँ माइनस वन रख रहे हो, माइनस वन का स्क्वायर करोगे वो भी वन आएगा, तो ऐसा केस हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया हमारा, मैनी वन वाला केस। अब इसी में सीखेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। तो देखो कभी भी ऑर्डर पेयर्स के टर्म्स में आपसे क्वेश्चन बोले कि भी बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं, तो बस आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे ये वन है, ये दोबारा से आ गया किसी ऑर्डर पेयर में, तो भी ये क्या है हमारा, फंक्शन नहीं है। अब जैसे ये है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि वन पर थ्री आए, टू पर भी थ्री आए, ये रहा ना, वन पर वन आए, माइनस वन पर भी वन आए, तो देखो फर्स्ट नहीं रिपीट होना चाहिए, सेकंड हो सकता है, वन पर वन आ रहा है और माइनस वन पर भी वन आ रहा है, तो सेकंड वाला रिपीट हो रहा है,
लेकिन फर्स्ट वाला रिपीट नहीं हो रहा, देखो फर्स्ट वाला रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है, समझ रहे हो आप, ये फंक्शन है। तो बस यही कंडीशन हमें जाननी है, क्यों, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना कि फंक्शन किसे बोलेंगे, तो हम मिस्टेक पर मिस्टेक करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि भाई रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। रिलेशन तो कोई भी आप क्या बना दो भाई, ऑर्डर्ड पेयर ले लो, कोई भी ए और बी में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, वो सभी क्या है, रिलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस भी हमने बात की थी, भी जितना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था हमने रिलेशन में, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट क्या होते हैं, हमारे रिलेशंस होते हैं। अब रिलेशन में ही कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं जिसको हम फंक्शन कह सकते हैं, वो स्पेशल रिलेशन जैसे ये कि भाई जिसमें क्या हो, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकंड सेट, ये आप डेफिनेशन दे सकते हो इसके लिए, फंक्शन के लिए। तो ये है हमारा फंक्शन। अब इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, जिसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे हमने रिलेशन के टाइप्स देखे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे इसके टाइप्स। देखो इसमें होता है एक वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, वन वन से ही आपको यहाँ पर उसके नेम से ही आपको पता चल रहा है क्या, कि भाई एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वन वन एक एलिमेंट एक से एक ही के साथ, एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करे, सिंगल एलिमेंट के साथ। मीन्स जैसे यहाँ लेट कर लेते हैं वन टू थ्री, यहाँ पर फोर फाइव सिक्स, अब लेट कर लेते हैं कि वन फोर से रिलेट कर रहा है, ये टू सिक्स से रिलेट कर रहा है, और ये थ्री फाइव से रिलेट कर रहा है। देखो एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज है। और ये जो हमारा सेट है, फर्स्ट वाला, वो हमेशा ही उसके सभी एलिमेंट हमेशा पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो ये फंक्शन है, यस फंक्शन है, क्योंकि इसके फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और ये कौन सा फंक्शन है हमारा, वन वन फंक्शन, जिसमें एक एलिमेंट एक के साथ रिलेट कर रहा है, इसे बोलेंगे वन वन, ठीक है, इसे बोलेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि भी क्या हो, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखो फिर आपको डिफरेंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वन टू थ्री, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन, अब इसी में ही अगर हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि वन फोर से, टू फाइव से, थ्री सिक्स से, तो ये भी एक वन वन फंक्शन है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ, वन वन, ठीक है, ये भी वन वन फंक्शन है, ये भी वन वन, इसे वन वन फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये वन वन ऑन टू है, और ये वन वन इन टू है, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू का क्या मीनिंग है, वन वन इन टू का क्या मीनिंग है। तो वन वन ऑन टू का मीनिंग है कि जो वन वन और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट जिसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, जिसमें सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं। आपसे अगर ये बोला जाए कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, तो यस ये ऑन टू फंक्शन है। आपसे अगर ये बोला जाए क्या ये वन वन फंक्शन है, तो यस ये वन वन भी है। और अगर आपसे बोला जाए कि ये क्या वन वन ऑन टू दोनों है, यस ये वन वन ऑन टू दोनों है, तो आप इसमें कह सकते हो कि वन 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 भी है और ऑन टू भी है, सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जैसे ये वन वन है, यस वन वन है, ये वन वन ऑन टू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि भी सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर बच जाते हैं तो ये ऑन टू नहीं होगा, फिर ये क्या होगा उस केस में, इन टू। तो इन टू में आप समझ पा रहे हो कि भी सेकंड सेट मतलब को डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट छूट जाएगा हमारा, जो कि पार्टिसिपेट नहीं होगा मैपिंग में, ये है इन टू का मीनिंग, समझ गए। अब एक और एक केस है इसमें, देखो मैनी वन वाला, मैनी वन वाला भी केस हमने डिस्कस किया था कि भाई जहाँ पर टू और मोर एलिमेंट्स एक ही इमेज रख रहे हैं, ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स एक ही इमेज रख रहे हैं, जैसे यहाँ वन टू थ्री, यहाँ पर फोर फाइव सिक्स, रिलेट कर लेते हैं, वन पर भी फोर आ रहा है और टू पर भी फोर आ रहा है, और ये थ्री किससे रिलेट कर रहा है, फाइव से, समझ गए आप। तो अब देखो आप क्या ये फंक्शन है, तो यस फंक्शन है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू एलिमेंट्स एक इमेज रख रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट टू इमेजेस नहीं रख सकता, ये नहीं होता, समझ रहे हो आप, क्योंकि अगर आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं होगा, देखो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ही नहीं होगा, सेकंड वाला रिपीट हो सकता है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट ना हो। तो फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्यों, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेटेड है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और ये कौन सा वाला केस है, मैनी वन वाला केस, इसे क्या बोलेंगे, मैनी वन, ये क्या है, मैनी वन, मैनी एलिमेंट एक इमेज रख रहे हैं, इसलिए मैनी वन फंक्शन। और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं है, तो मैनी वन इन टू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मैनी वन इन टू, समझ गए आप, ये मैनी वन इन टू भी हो सकता है। ऐसे ही सेम केस कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, वन टू थ्री, मैनी वन वाले में ही ये केस है कि भाई आपका क्या हो जाए,
कि 1 4 और 2 4 से और 3 5 से, और ये क्या हो, सेकंड सेट के भी सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो जाए, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में हो जाएगा मैनी वन क्या ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है, मैनी वन ऑन टू, ऑन टू का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ऑन टू का मीनिंग है कि सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। अब देखो इनके कुछ स्पेशल नाम भी है, क्या नेमिंग है, स्पेशल नेमिंग, कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, अगर सिर्फ हम उसे देख रहे हैं कि वो 1 1 है, अब 1 1 इंटू भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसे 1 1 के सेंस में देखा, ओनली 1 1 के सेंस में देखा कि वो 1 1 फंक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। एंड अगर वो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू मीन्स उसमें सेकंड सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जैसे सेकंड सेट के एलिमेंट इसमें भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट इसमें भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो इसको हम ऑन टू वाला केस कह सकते हैं, और ऑन टू है तो इसको ही दूसरा नाम है ऑन टू का ही, सर्जेक्टिव। तो ऑन टू फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो केस है ना हमारे, इसको भी आप सर्जेक्टिव बोल सकते हैं इसको भी, लेकिन ये 1 1 ऑन टू दोनों है, और ये 1 1 भी है, देखो ये क्या है हमारा 1 1 भी है, तो 1 1 के अकॉर्डिंग हम इसे क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं, 1 1 के अकॉर्डिंग हम इसे इंजेक्टिव बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है हमारा 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का स्पेशल नाम, इसको स्पेशल नाम दिया गया है क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है इसमें, ये स्पेशल नेमिंग है इसमें। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा जिसको हमें समझना है, ठीक है। तो भाई इसमें ये चीज़ें आपसे बोली जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई रियल फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। तो देखो रियल फंक्शन जितने भी हम फंक्शन करते हैं ना, ये सभी रियल फंक्शन होते हैं, या फिर इनको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन अलग बताई गई है, क्या कि भी अगर हमारे पास टू सेट है, ये ए है और ये है बी सेट, ये अगर बी जो कि हमारी कोडोमेन है और वो बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, मतलब किसके जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, तब ये क्या होगी हमारी रियल वैल्यूड फंक्शन होगी, चाहे इसके करें या ना करें। लेकिन अगर ये ए और बी दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करें, वैसे तो ये रियल नंबर से ही, हम देखते हैं कि भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी में ए और बी क्या है, रियल नंबर से है, रियल नंबर में ही हम क्या करते हैं इनको लेते हैं। तो अगर ये रियल नंबर से लिए गए हैं ए और बी, तो ये क्या होंगे हमारे रियल फंक्शंस होंगे, ये क्या होंगे हमारे रियल फंक्शन होंगे, इनको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ए और बी में अगर रियल नंबर्स ले रहे हैं, समझ रहे हो। बस यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, और अगर दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इन्हें रियल फंक्शन कहेंगे। वैसे कोई भी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ना ही इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाता है कि भाई डिफरेंस बताओ इनमें। तो इसमें सिंपल आप कह सकते हो कि भाई ये सभी क्या है, रियल फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर्स की जगह कुछ और चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह ली गई, तब ये रियल फंक्शन नहीं होंगे, समझ रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही नहीं है कि यहाँ पर कोई रियल नंबर ही लेंगे, यहाँ पर वो अल्फाबेट ले सकता है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स एनिमल्स पर्सन्स, ठीक है, कुछ भी अदर क्या ले सकता है, वो ऑब्जेक्ट ले सकता है। क्योंकि फंक्शन जो भी हमारा बन रहा है सेट से ही बन रहा है, और सेट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट्स है, एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, समझ रहे हो आप। तो यही हमारा क्या होता है, सेट होता है, और सेट में ही हमारे रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन से हमारा फंक्शन बनता है। लेकिन हम रियल वैल्यू के लिए पढ़ रहे हैं, तो वे रियल वैल्यू फंक्शन, क्योंकि मैथ्स में हमने सभी क्या देखे हैं 1 2 3 ये इस तरीके के नंबर्स देखे हैं जो कि रियल नंबर्स होते हैं। तो ये रियल नंबर से अगर हमारा क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, तो रियल वैल्यू फंक्शन हमारा, समझ गए। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे किस टाइप के आते हैं। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई जैसे अभी हमने बात की थी कि वो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ कि भाई ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब आप बताओ कि भाई फंक्शन है या नहीं है, कि अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, मीन्स एक रिलेशन ले रहे हैं, आपको बताना है कि भाई ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। कि हमने ये लिया 1 2 3 3, ये ले लिया हमने 2 5 1 6 इस टाइप का, तो बताओ क्या ये एक फंक्शन हो सकता है। तो देखो आप कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 आ गया तो कहीं भी स्टार्टिंग 1 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है 1, तो ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो आप। जैसे हम सेकेंड में कह सकते हैं
ये भी अगर हमारे पास क्या वन वन है, टू थ्री है, थ्री फोर है और फोर फाइव है, क्या एक फंक्शन हो सकता है? देखो फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, किसी भी ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यस ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा सिंपल। इस रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं। हमसे किस टाइप के क्वेश्चन बोलेगा, हमसे बोलेगा कि भाई चेक करो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इजिकल्स टू टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अब देखो कोई भी फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन है, इसमें क्या कंडीशन है, देखो कोई भी फंक्शन है अगर अगर ये फंक्शन है लेट कर लेते हैं, तो या तो ये वन वन फंक्शन होगा या फिर ये मैनी वन फंक्शन होगा, लेकिन होगा इन दोनों में से एक ही। क्यों? क्योंकि मैपिंग सिर्फ दो तरीके से ही होती है। अगर ये फंक्शन है तो भाई फर्स्ट सेट मतलब फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट हमेशा पार्टिसिपेट होंगे, या तो वो क्या हो रहे होंगे, तो या तो वो वन वन हो रहे होंगे, ठीक है, या तो वो वन वन हो रहे होंगे या फिर वो मैनी वन हो रहे होंगे। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि वो इस टाइप से मैपिंग कर रहे हो, मैनी वन वाली मैपिंग कर रहे हो कि वन फोर से, टू फोर से, थ्री फाइव से, कुछ इस टाइप से कर रहे हो मैपिंग, तो ये मैनी वन होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन है या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन। तो इसी को ही सेंस में रखते हुए एक मेथड बताया गया है कि भाई कैसे आप इंजेक्टिविटी चेक करते हो। इंजेक्टिविटी का मतलब वन वन, ठीक है, इंजेक्टिविटी का मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या है, वन वन, कि आपको चेक करना है कि भाई ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं, कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल मेथड बताया गया है कि भाई एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू ले लो आप एफ ऑफ एक्स टू के, और अगर इसमें एक्स वन इजिकल्स टू एक्स टू आ जाए तो ये वन वन है। अब ये क्या मीनिंग है, क्या है ये, क्या सेंस है इसका? देखो इसका सेंस ये है कि भी लेट कर लेते हैं कि भी यहाँ पर टू एलिमेंट्स हैं एक्स वन एंड एक्स टू, और इनकी मैपिंग हो रही है कुछ इस टाइप से एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स टू इस टाइप से। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक्स वन की एफ ऑफ एक्स वन आ रहा है, एक्स टू से एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है, तो वन वन है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई जो एफ ऑफ एक्स वन है और एफ ऑफ एक्स टू है, ये क्या है हमारा, एक सिंगल एलिमेंट है, और अगर एक सिंगल एलिमेंट हुआ तो भाई ये मैनी वन हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करने से पहले हम चेक कह देते हैं कि भाई ये एक मैनी वन फंक्शन है। कैसे? ये इसकी दो सेम एलिमेंट्स पर एक ही इमेज आ रही है, दो सेम एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, समझ रहे हो आप, कि हमने कहा कि एफ ओफ एक्स वन और एफ ओफ एक्स टू इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो भाई इसको आप एक ही बार लिख सकते हो सेट में, तो आप दो नंबर्स को एक बार मतलब बार बार नहीं लिखते हो, तो अगर आप इसे एक ही बार लिख सकते हो, मान लेते इसे एफ ओफ एक्स वन कह दिया हमने, ये दोनों इक्वल है, तो भाई इसकी इमेज ये भी है और एक्स टू की भी इमेज ये है, तो इसका मतलब ये मैनी वन हो गया। लेकिन अगर एक्स वन और एक्स टू भी एक ही हो जाएं, एक्स वन और एक्स टू भी दोनों इक्वल हो जाएं, ये भी दोनों इक्वल हो जाएं, ये भी तो एक सिंगल ही एलिमेंट हो जाएगा, तो सिंगल एलिमेंट से ही रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वन वन। इस बात को समझे, क्योंकि इसी में ही सारा सेंस है वन वन और मैनी वन को प्रूफ करने का। यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती, ये क्या कर रहे हैं। अब इसको इससे समझेंगे मैं एग्जाम्पल से, जैसे लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन रख लिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया टू एक्स वन प्लस वन, एफ ऑफ एक्स टू रखा हमने फिर एक्स की प्लेस पर, तो टू एक्स टू प्लस वन। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि भाई सेकंड सेट का एलिमेंट, जैसे हम वाई लेट कर लेते हैं, एक समझो यहाँ पर सेंस क्या कह रहा है कि भाई ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आप एक्स यहाँ से ले रहे हो और वाई आप ले रहे हो यहाँ से। अब हमने कहा कि भाई एक्स वन रखा हमने इस पर, इसकी वैल्यू एक्स वन पर क्या आई, एफ ऑफ एक्स वन आ रही है, और एक्स टू पर क्या आई, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू आ रही है, तो साफ साफ हमें पता चल रहा है वन वन। लेकिन हमने कह दिया कि मैनी वन है, हमें पता चल रहा है कि वन वन है, लेकिन हमने कह दिया मैनी वन है। कैसे कह दिया मैनी वन, कैसे बोल दिया कि लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है, तो अगर ये ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ तो ये मैनी वन हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी इक्वल आ गए, एक्स वन और एक्स टू भी इक्वल आ गए ना, तो फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि वन वन ही है, क्योंकि एक एलिमेंट ही है जो एक से रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने इनको एक माना और ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही, फिर तो ये मैनी वन ही है, फिर तो ये मैनी वन है कि भाई एक्स वन और एक्स टू इक्वल नहीं आ रहे हो, यहाँ पर जो एक एलिमेंट है उसी की दोनों दोनों की इमेज यही आ रही है, समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि दोनों की इमेज ये एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है जिसको हमने एक ही माना है। लेकिन अगर हमने इनको एक माना और ये भी एक हो गए, तो ये वन वन ही फंक्शन होगा। तो वही देखेंगे हम इसमें कि टू एक्स वन प्लस वन, टू एक्स वन प्लस वन किसके प्लेस पर, एफ ऑफ एक्स वन के प्लेस पर, ऐसे एफ ऑफ एक्स टू के प्लेस पर टू एक्स टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल कर लो, टू एक्स वन इक्वल्स टू टू एक्स टू, टू से टू कैंसिल कर लो, एक्स वन इजिकल्स टू एक्स टू,
ये हो जाएगा, समझ गए आप। तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन होगा, हम एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल लेते हैं, ये दोनों एक सिंगल एलिमेंट मानते हैं, तो ये भी एक सिंगल एलिमेंट ही है, तो इसका मीन्स ये वन वन है, तो इस टाइप से हम कह देते हैं कि हैंस क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। और अगर ये एक्स वन और एक्स टू इक्वल नहीं आ रहे होते तब ये मैन इवन होता। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने दिमाग में बैठाना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो, अपने माइंड में बिठा लो इस बात को कि भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, क्योंकि ये सेंस अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप ये सोचते रह जाओगे कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर ये कर क्यों रहे हैं। ये जनरल सेंस में हमें दिखाने के लिए करना होता है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आप रख सकते हो, कहाँ कहाँ पर दिखाओगे कि भाई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसमें इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे, आप कोई भी रियल नंबर रख लो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे, तो सारे ऑर्डर पेयर तो आप लिख नहीं सकते, तो जनरल सेंस में दिखाते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा वन वन फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव है, ठीक है, ये है इसका सेंस। तो बस यही इसमें बातें हैं जो हमें करनी है, तो इसकी एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को करें और फिर हमें बताएं कि भाई आपको अभी कोई डाउट है इसमें या नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको पता चल गया या नहीं पता चले, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है कि भाई वन वन ऑन टू क्या है, वन वन इन टू क्या है, मैनी वन ऑन टू क्या है, मैनी वन इन टू क्या है, ऐसे हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल मेथड से बताने की कोशिश की आपको, तो आप इसमें बताएं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आया है नहीं। और इससे रिलेटेड हमारा एक दूसरा लेक्चर भी है जिसमें हमने रिलेशन को भी थोड़ा सा डिफाइन किया है, तो आपको वो इंट्रो पार्ट चाहिए, उसका वो इंट्रो लेक्चर चाहिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या फिर इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में अटैच कर देंगे। वैसे हमने वो जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट की प्लेलिस्ट पर जाओगे आप इसी लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ पर भी वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन और रिलेशंस में बताया डिफरेंस क्या है और कैसे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। वैसे यहाँ पर भी वो सभी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं, तो बस अब इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे प्रोसीड करेंगे इसमें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी डाउट आपके होंगे ना उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में वहाँ पर आपको सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।